हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमने अपनी एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने थोड़ा सा ही पढ़ लिया था। हम एक बार देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड हम स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने पढ़ा था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कालकोलिथिक, इन सब सब की एज पढ़ ली थी कि 10,000 BC से पहले वाले पीरियड को पेलियोलिथिक बोलते हैं, मेसोलिथिक 10,000 से 6,000, नियोलिथिक को 6,000 से 4,000 और कालकोलिथिक कौन सी है, मेटल एज। फाइन, तो हमने ये पढ़ लिया था। इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, इसको मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो डेटिंग की करी है, दो टेक्निक्स होती थी, एक तो रेडियो कार्बन डेटिंग होती थी और एक डेंड्रोक्रोम होती थी, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में हम ये देखते थे उस मटेरियल में से कितना कार्बन लॉस हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर डेटिंग करते थे जो पर्टिकुलर सब्सटेंस में वहाँ से मिले। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम क्या देखते थे, ट्रीज की एनुअल रिंग को काउंट करके ये पता करते थे कि ये पेड़ कितना साल पुराना है, या फिर यहाँ पे जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो कितने साल पुरानी है। सोर्सेज हमने ये देखा था, जो भी हमें एंशियंट इंडिया में अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ कहाँ से मिली है, तो कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एनिमल बोन्स हैं, वहाँ कुछ फ्लोरा फौना है, ह्यूमन बींग्स हो गया और फिर लैंग्वेज होगी, ठीक है। प्री हिस्टोरिक हमने देखा था एज सच कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब कि जब पहली बार कोई स्क्रिप्ट आई उससे पहले वाले पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। स्टोन एज हमने देख लिया था कहाँ कहाँ से, इसमें सबसे साउथ एशिया कवर है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। फर्स्ट जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, जो हमने बोला था कि अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे, जिसको हमने होमो इरेक्टस बोलते हैं। इसके अलावा जो इंडिया की जो थीम है वो एक 1 मिलियन ईयर्स एगो है, ऐसा समझा जाता था, लेकिन अभी जो न्यू डिस्कवरी हुई है वो बोलते हैं कि नहीं, 1 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में हो सकते हैं। अगेन हमने ये बोला था प्री हिस्टोरिक तीन तरह से डिवाइड है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। पहली साइट हड़प्पन साइट थी, इंडस साइट, और इसको हम एक्यूरियन भी बोलते हैं। फाइन, ओल्ड स्टोन एज को अगेन क्लासिफाई किया जाता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। उसके बाद जो एज आई वो मेसोलिथिक थी, और उसके बाद जो न्यूलिथिक आई, न्यूलिथिक मतलब न्यू, और न्यू मतलब पहली बार हमने यहाँ पे एनिमल और प्लांट को डोमेस्टिकेटेड करने लगे, मतलब उनको पालने लगे, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, सो दैट हम वहाँ से फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते, ठीक है। तो गाइस, अभी देखो मैं आपको शायद न्यू मैंने एनसीईआरटी शुरू करी थी, पर मैं अभी आपको पुराने एडिशन से ही पढ़ाऊंगी। वजह इसलिए कि हमें क्या करना, मैंने आपको पहले बताया था कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पुराने एडिशन है, इसमें आपकी 250 पेजेस की ये जो बुक है, और इसमें आपका एंशियंट और मेडिवल दोनों कवर हो जाएगा। फाइन, न्यू एडिशन में क्या है, 258 पेजेस की ही बुक है, जिसमें आपका अरब्स और टरब्स तक कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आधा से ज़्यादा मेडिवल है, जो बाकी है, दैट इज़ द मुगल्स एंड द मराठा। फाइन, तो अगेन क्योंकि हम इसे रिविज़न कर रहे हैं, और आई थिंक अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो बढ़िया, नहीं पढ़ा हुआ तो आप देखो, अपने आप पढ़ो, या फिर कहीं भी आपको लगता है जहाँ से अच्छा सोर्स मिल रहा है वहाँ से पढ़ो। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ, अगर कोई रिविज़न करना चाहता है, ठीक है। तो मैं क्योंकि मैंने भी पहले पुराने एडिशन से पढ़ी हुई है, क्योंकि अब मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकती नई एडिशन से पढ़ने में। ऐसा है कि क्योंकि एंशियंट मेडिवल इस तरह की चीज़ है, या तो क्वेश्चंस होंगे वो सबसे हो जाएंगे, इतने इजी आएंगे, या फिर बहुत मुश्किल आएंगे जो प्रॉपर से भी नहीं होंगे, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी, ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करना है, दैट इज़ द हमने पढ़ना है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज। देखो जो न्यू एडिशन है, इसमें बस क्या कर दिया, तीनों को क्लासीफाई कर दिया, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। लेकिन इसमें क्या किया पुराने एडिशन में, सिर्फ पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज के बारे में बताया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैं वो हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में मिले जाते हैं, और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में हमने बता दिया क्या क्या पे, यहाँ पे मेनली जो साइट्स हैं वो मेनली वाटर के पास लोकेटेड है, और यहाँ पे काफ़ी जो रॉक शेल्टर्स हैं, केव्स हैं, जिनको पैलियोलिथिक पीपल्स के द्वारा क्या किया था, यूज़ किया गया था, सो दैट वो अपने मतलब कि अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड हो सके। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग रहते थे वो हट्स में रहते थे, जिनको वो लीव्स के थ्रू बनाते थे, और जो कुछ फेमस साइट्स थी ओल्ड स्टोन एज, ये गाइस आपको 500 की 500 साइट्स आपको याद होनी चाहिए, तो मतलब याद होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, सोन वैली और कोटवा प्लेटू, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में हमारी शिवालिक हिल्स होगी, जैसे आपको पता ही है ना, ट्रांस हिमालय, फिर हिमाचल, हिमाद्री, और सबसे नीचे होता है शिवालिक हिल्स। तो याद रखना पांच कौन कौन सी हैं, पहला तो सोन वैली और कोटवा प्लेटू, फिर है दूसरा शिवालिक हिल, तीसरा भीमबेटका। तो वैसे भीमबेटका का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये साइट खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो भीमबेटका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्किटेक्चर मिलेगा। थर्ड क्या है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, फोर्थ है आदमगढ़ हिल जो कि नर्मदा वैली में, फिफ्थ कुर्नूल, आई थिंक आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में, लोग घूम के भी आए हुए होंगे, ठीक है। सिक्स्थ है अतिरिमा का पवन नियर था चंडी, ठीक है। तो आप इस तरह से आपको याद करना है, सोन वैली, कोटवा प्लेटू, शिवालिक हिल्स, भीमबेटका, कुर्नूल, आदमगढ़ और अतिरिमा।
अब आपको देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमें, तो गाइस पढ़ा तो आपने पहले भी हुआ है ना, रिवीजन का मतलब ये कि आप उस चीज़ को ऐसे पढ़ो कि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो जब पढ़ रहे हो उसी वक्त वीडियो को पॉज करो और अपने दिमाग में ये जो 5-6 साइड्स हैं उनको 3-4 बार पढ़ो, मतलब कि रिपीट करो, सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, सोन वैली कोपर बैठी, शिवालिक अम्बेडकर, ठीक है, आदमगढ़ कुरमोर, और जो आपको लगता है कि हाँ जो साइट ऐसा नाम है जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रिक देखो, कहीं से ट्रिक आ जाए, अटीरा मकम, ठीक है, कुछ ऐसे करो, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज में क्या होता था, जो लोग थे वो फूड को कैसे लेते थे, एनिमल्स को हंट करके या फिर प्लांट्स को, प्लांट्स के जो पत्ते पुत्ते या फिर वुड थे उनको गैदर करते, इसलिए इन लोगों को हम क्या बोलते थे, हंटर्स गैदरर्स भी बोलते थे, ठीक है। ये रहते थे स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, ठीक है, सो दैट वो क्या कर सके, एनिमल्स को मारते थे। कि पहले कोई कुल्हाड़ी थोड़ा थी कि एनिमल्स को मारने, पहले वो क्या करते थे, स्टोन्स को यूज़ करके क्या करते थे, इस तरह का टूल्स बनाते, नुकीले नुकीले क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, सो दैट वो क्या कर सके, एनिमल को उस पर गिर के एनिमल्स को मार सके और मार सकता पूरे इकट्ठा कर सके, ठीक है। कुछ जो स्टोन होते थे वो क्वार्ट साइट से भी बनाते थे, आपने अगर पढ़ा होगा इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है क्वार्ट साइट, ठीक है। तो जो लार्ज जो पेपर्स होते थे वो मेनली हमको रिवर, आपको देखा होगा जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो मेनली आपको नदी किनारे ही मिलते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर्स की जो हंटिंग होती थी इसमें, मतलब कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनिमल्स को हंट करोगे तो ऑफकोर्स आपको कंबाइंड एफर्ट की जरूरत होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लैंग्वेज होती थी जो पैरालिथिक एज के लोगों की, या क्या कम्युनिकेशन होता था, उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की लाइफ क्या मॉडिफाइड होती रही, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने अपने एनिमल्स को मतलब कि पालने लगे या फिर फ्रूट को बनाने लगे या फिर कुछ प्लांट्स को ग्रो करने लगे, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी कम ऐसी ओल्ड स्टोन पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, और वो विम्बेट का रीजन में मिले या फिर कुछ अदर प्लेसेस में, ठीक है। 10,000 BC से पहले मिले हम पीरियड को क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। अगेन गाइस मैं आपको ये बोलूँगी आपके पास ये बुक साथ में होनी चाहिए अगर आप क्या पढ़ रहे हो साथ में, ठीक है। क्योंकि अभी क्या, अभी मैं अपने नोट्स बनाऊँगी तो साइड में उसको स्विच करूँगी, तो अगर मैं बोलूँगी तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पैलियोलिथिक एज में हमने क्या पढ़ा, जो यहाँ पे लोग होते थे हमको क्या बोलते थे, हंटर्स गैदरर्स बोलते थे, ठीक है। और यहाँ की जो मेनली 6 साइट्स हैं अभी हमने पढ़ा, सोन वैली, अब आप ऐसे लिखो ना कोटका वैली, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फिर हमने क्या पढ़ा, शिवालिक हिल्स, और ये कहाँ है हमारी, नॉर्थ इंडिया में है। फिर हमने पढ़ा विम्बेट का, ठीक है, ये कहाँ पे, अपना मध्य प्रदेश में है। फिर हमने पढ़ा आदमगढ़, और आदमगढ़ कहाँ पे हमने पढ़ा, नर्मदा वैली के पास। फिर हमने पढ़ा कुरनूल, कुरनूल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा जो अजीब सा नाम था, अटेरा वो है चेन्नई, ठीक है, इस तरह से आपको याद करनी है। फिर हमने पढ़ा कि जो फूड यहाँ से लोग करते थे वो कैसे लेते थे, हंटिंग करके, गैदरिंग करके प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, और मैक्सिमम जो यहाँ पे जो स्टोन्स बनते थे वो मतलब कि क्वार्ट साइट से भी बनते थे, जो भी कुछ में अच्छे स्टोन है। और बहुत ही कम पेंटिंग हमें यहाँ पे मिले, मतलब कि कहाँ लोगों की लैंग्वेज क्या था उसका कुछ नॉलेज नहीं है, कम्युनिकेशन की नॉलेज हमें नहीं है। क्या पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स मिली है, कहाँ से मिली है, विम्बेटका से मिली है, फाइन। अब हम पढ़ते हैं कि दैट इज द मेसोलिथिक एज में, फाइन। मेसोलिथिक एज दैट इज द मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो 10,000 BC से पहले वाली चीज़ क्या होगी, हमारी पैलियोलिथिक। अब 10,000 से 6,000 BC तक का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक। तो इस लिथिक का मतलब मैं आपको बता दूँ, लिथिक का मतलब क्या होता है, बस एक स्टोन टूल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें कुछ पढ़ेंगे मोनोलिथ्स या माइक्रोलिथ्स। देखो लिथ्स का मतलब स्टोन होता है, माइक्रो मतलब कुछ ऐसा आर्ट, मतलब जैसे हम कुछ, मतलब कि कुछ आपने आर्ट बनाया, कुछ अच्छी चीज़ बनाई, स्टोन के कुछ ऐसा बना लिया आर्किट, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ बना ली, सिंपल बात है, ठीक है। तो वो छोटे स्टोन से अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसे हम जो है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा मेसोलिथ, फिर मेगालिथ, मतलब कि उसका मतलब स्टोन का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो आप उस स्टोन पे कर रहे हो आर्ट परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, माइक्रोलिथ, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज के जो रिमेन्स है, मतलब कि अब यहाँ जैसे रिमेन्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं, देखो हमने पहले लिथिक के 5 साइट्स पढ़ ली हैं, तो उसी तरह यहाँ के भी रिमेन्स है, कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, गुजरात से, MP से, राजस्थान से, UP से और बिहार से, ठीक है। गुजरात के मेनली नंगजन रीजन से, अगर ये आपको खुद करना है, MP के अगेन आदमगढ़ रीजन से, और राजस्थान, UP और बिहार से हमें पाए गए हैं। देखो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो न्यू स्टेज है उसको मेसोलिथिक बोलते हैं। 10,000 से 6,000 एज में मेसोलिथिक के रिमेन्स कहाँ कहाँ से पाएंगे, गुजरात के लंगान से, आदमगढ़ जो कि MP में है, और इसके अलावा कुछ और प्लेसेस से भी जो राजस्थान, UP और बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेंटिंग्स हमें मिली हैं, ठीक है, वो वहाँ के डिपिक्ट करते हैं कि उस वक्त जो मेसोलिथिक एज के जो लोग थे उनकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या रही होंगी, उसको क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। एक मिनट,
हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो इसके रिमेन्स है कहाँ कहाँ से मिले, गुजरात के लांगन से आदमगढ़, बाकी फॉर्म सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड द बिहार, ठीक है। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पुराना मतलब क्या है, एक स्टेट है या प्रोविंस है, क्योंकि तब प्रोविंस का कल्चर था, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे हम क्या करते थे, आपके स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, सो दैट हम क्या बना सके, आर्ट्स क्राफ्ट बना सके, जिसको हम माइक्रोलिथ्स भी बोलते थे। माइक्रोलिथ्स मतलब कि वो स्टोन जिसको 5 सेंटीमीटर साइज के कम हमने क्या बना रखा। इसके अलावा हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करें, थोड़ा सा लार्ज एनिमल्स पे शिफ्ट हुए टू स्मॉल एनिमल्स एंड पे शिफ्ट, मतलब कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे बोस को यूज़ करने लगे, एरो का यूज़ करने लगे। पहले हम क्या करते थे, पैलियोलिथिक एज में सिर्फ स्टोन्स का यूज़ करते थे फॉर हंटिंग, ठीक है, एनिमल्स, लेकिन अब हम यहाँ पे बोस बनाने लगे, ठीक है, इस तरह की मतलब कि एरोस वगैरह बनाने लगे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे अगेन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, पालने लगे, हॉर्टिकल्चर करने लगे। अब आपको देखो लिख रही हूँ तो आप भी लिखो साथ में, हॉर्टिकल्चर मतलब कि फूलों को उगाने लगे, प्रिमिटिव कल्टिवेशन, ये सब हमने पहली बार कहाँ स्टार्ट किया, मेसोलिथिक एज में स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ मिलेंगी आपको, महाद्वीप से हमें यहाँ पे कुछ एनिमल बोन्स मिली हैं, किस किस की एनिमल बोन्स मिली हैं, डॉग्स की, डियर की, बोर की या फिर ऑस्ट्रिच की, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि हम मेसोलिथिक एज को मैं एक बार बड़ा छोटा सा डिफाइन कर देती हूँ, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से 6,000 BC तक है। यहाँ के जो रिमेन्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, गुजरात से, ठीक है, MP से, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कहाँ पे कहीं आ रहा है, एक सेकेंड, गुजरात के लांगंज रीजन से पढ़ा, मैंने आपको लिखा था यार MP के आदमगढ़ रीजन से मिला, UP राजस्थान बिहार से मिला। मैंने आपको बोला था काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स को यूज़ किया गया, दैट इज़ द टेनियस रॉक आर्टिफैक्ट जिसको हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, जिनका साइज 5 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पे हम क्या किया, लार्ज एनिमल्स से शिफ्ट होकर स्मॉल एनिमल्स, और फिशिंग भी हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया बोज एंड एरोस का स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया, प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्ट किया, एनिमल बोन्स के यहाँ कुछ रिमेन्स मिले जैसे डॉग्स का, ठीक है, डियर का, बोर का या लॉस्ट, और कहाँ से मिला, महादेव से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ द न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 6,000 BC से लेकर 4,000 BC तक माना जाता है। इसके जो रिमेन्स है कहाँ कहाँ से मिले, देखो सबसे पहले तो कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली रीजन से मिला, कुछ बिहार से मिला, ठीक है, यूपी के बेरान वैली से मिला, और तमिलनाडु के पेंपाली रीजन से, ठीक है। ये मैं अभी आपको बुक में पढ़ लूँगी एक बार, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा मैं आपको समराइज बता रही हूँ, उसके बाद थोड़ा फिर आप जब आप खुद पढ़ोगे तो उसका डाट आपको मतलब कि ईजी लगेगा, ठीक है। तो नहीं लेते कि इसकी कितनी 6,000 से 4,000 BC तक है। देखो हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो साइट है कौन से एज से बिलोंग करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पैलियोलिथिक के 6 साइट्स पढ़ी, फिर हमने मेसोलिथिक के भी 5 साइट्स पढ़ी हैं, ठीक है। न्यूलिथिक एज क्या है, कश्मीर वैली हो गया, बिहार में चिरण से मिला है, यूपी में बेरान वैली से मिला, तमिलनाडु के इस रीजन से मिला, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक के भी हमें मिला है कोडेका रीजन से, और आंध्र प्रदेश के उत्तनूर रीजन में, ठीक है। तो गाइस थोड़े साउथ के नाम मुझे ऐसे लगते हैं जो मेरे से अच्छे से प्रोनाउंस नहीं होते, तो आई होप आप थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले क्या कल्टीवेशन स्टार्ट किया, किस किस का, वीट का, ठीक है, बार्ले का, राइस का, मिलेट का, इन सबको कल्टिवेट करना स्टार्ट किया, और साथ में शीप, गोट, कैटल, इन सब का पालन पोषण भी स्टार्ट किया, करते हुए डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। इसके अलावा हमने यहाँ पे स्टोन टूल्स को पॉलिश करना स्टार्ट किया, जैसे एक्सिस। इसके अलावा हमने कुछ यहाँ पे पोल्ट्री स्टार्ट करी, ठीक है। तो देखो गाइस अब इसमें नया क्या आया, पोल्ट्री यहाँ पे हमने स्टार्ट करी, ठीक है, वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, इन सब का कल्टिवेशन स्टार्ट किया, तो ये खुद में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी लाइफ है, मतलब कि अभी तक लोग कैसे रहते थे, भेड़ बकरी की तरह रहते थे, मतलब कि नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं, और यहाँ पर लोग क्या करने लगे, थोड़ा कम्युनिटी में रहने लगे, विलेज कम्युनिटी का एक कंसेप्ट है, एमरजेंस ऑफ, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप अपना लिख सकते हो, एमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी आया, ठीक है, बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाने लगे मड ब्रिक्स से, आपने देखो तो पहले मिट्टी से घर बनते थे, ठीक है, मड ब्रिक्स से, और जो ईंटे हैं वो भी मड से बनती थी, ऐसे बनाने लगे। इसके अलावा पोल्ट्री को बनाने के लिए व्हील्स का यूज़ करते थे, व्हील्स वर यूज्ड टू मेक पोल्ट्री, ठीक है। तो गाइस ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लोगों ने थोड़ा क्लोथ्स भी बना पहनने लगे, जिसके कॉटन या फिर वूल के, ठीक है। तो अभी तक अगर लोग पहनते भी थे क्लोथ्स तो पत्ते वगैरह पर पहनते थे। तो यहाँ पे अब न्यूलिथिक एज में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जो लाइफ का स्टैंडर्ड है लोगों को थोड़ा बड़ा। रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कश्मीर से, बिहार से, यूपी से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनके कौन कौन से रीजन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, बिकॉज ऑफकोर्स डायरेक्ट स्टेट नहीं पूछेगा, ऐसा रीज़न पूछेगा
जिसके बारे में आपको शायद थोड़ा याद ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने वीट, बार्ले, राइस, मिलेट का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, ठीक है। स्टोन की क्रशिंग स्टार्ट करी, एक्सेस पोटरी हम यहाँ पे स्टार्ट की, और पोटरी को हम व्हील्स को यूज़ करके बनाते थे, ठीक है। विलेज कम्युनिटी का एमरजेंस हुआ, क्लोथ्स लोग पहनने लगे, कॉटन एंड वूल के मड ब्रिक्स पहनने लगे, सो दैट इसके थ्रू लोग अपना घर बना सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आइए, दैट इज़ द कालकोलिथिक एज, और जिसको हम मेटल एज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेटल एज में क्या हुआ, सबसे पहले कॉपर एंड ब्रोंज इसको लोग यूज़ करने लगे, ठीक है। दो मेटल्स हैं, दैट इज़ अ कॉपर एंड ब्रोंज, इन दोनों को याद करना, क्योंकि सबसे पहले पूछ लेते हैं सबसे पहला मेटल कौन सा था जो यूज़ किया गया। लोग आयरन में कंफ्यूज नहीं, आयरन एज बाद में आएगी, वो मेगालिथिक एज है, सबसे पहले है कॉपर एंड ब्रोंज, इसको यूज़ किया गया। लोगों ने क्या किया, अब देखो अभी तक स्टोन से लोग क्या करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे, ठीक है। अब क्या किया, लोगों ने मेटल को स्मेल्टिंग करने लगे, ठीक है, स्मेल्ट करने लगे, और उसके थ्रू क्या करने लगे, मेटल की आर्टिफैक्ट्स बनाने लगे, ठीक है, उसके थ्रू आर्ट बनाने लगे, ठीक है। इसके अलावा जो हड़प्पन कल्चर, मतलब कि माना जाता है जो हड़प्पन कल्चर है वो कालकोलिथिक एज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहीं पे आपको पता चल गया कि हड़प्पन कल्चर कौन सी एज से बिलोंग करता है, कालकोलिथिक, मतलब कि ये जो इसकी जो एज होगी वो 4000 BC के, मतलब कि पहले वाली होगी, शुरुआत वाली होगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया, कालकोलिथिक एज में कॉपर एंड ब्रोंज को यूज़ करने लगे, लोग क्या करने लगे, मेटल को भिगोला के उसके आर्ट बनाने लगे, हड़प्पन कल्चर इसका पार्ट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो फार्मर्स थे अब वो यहाँ पे रहने लगे, जो गोदावरी की वैली पे, कृष्ण, ठीक है, तुंगभद्रा, देखो अब आपको पता होना चाहिए कि इस एज में कौन कौन सी रिवर्स को, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि फोकस किया गया, ठीक है, कावेरी। तो जो वहाँ के फार्मर्स थे वो इन वैलीज पे रहने लगे, ठीक है, किस किस पे, गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, पीना, कावेरी, इनके किनारे रहने लगे, ठीक है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे क्या किया, कुछ ब्रोंज और कॉपर के आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मेटल्स का यूज़ करने लगे, बीड्स का यूज़ करने लगे, टेराकोटा फिगर आपने देखा होगा, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेराकोटा फिगर्स मिलेगी, ठीक है। और ये पोटरी मिलेगी कहाँ पे, जो कि तमिलनाडु में आपको मिलेगी, कहाँ पे, अगेन पय्यनपेला रीजन में। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कालकोलिथिक एज, इसको मेटल एज बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर एंड ब्रोंज का यूज़ करना शुरू किया, मेटल को पिघला के हम मेटल के आर्टिफैक्ट्स बनाने लगे, हड़प्पन जो कल्चर है वो इसी एज का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो सेटल डाउन होने लगे, नियर द वैली ऑफ गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, पेन एंड कावेरी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रोंज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, बीड्स मिलेंगी, टेराकोटा फिगर और कुछ पॉटरी मिलेगी, कहाँ पे, तमिलनाडु के कयापल्ली डिजाइन में, फाइन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मेगालिथिक एज, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन एज भी बोलते हैं, फाइन। तो गाइस अगेन पोस्ट पैनिक रेशो की हमेशा मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आयरन को रेफर किया कहाँ पे, वेदास में, तो यू शुड नो दैट आयरन इज रेफर्ड इन वेदास, आयरन इज रेफर्ड इन वेदास, ठीक है। मतलब मेगालिथिक, अभी मैंने बोला था माइक्रोलिथिक की बात करी थी, मतलब कि स्मॉल स्टोन जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से कम, मेगालिथिक मतलब कि लार्ज स्टोन, ठीक है, इसको लार्ज स्टोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जो मेगालिथिक साइट्स हैं, यू शुड नो अबाउट, हमेशा बोला मैंने साइट्स का ध्यान रखना है, पैलोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, कैल्कोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो मेगालिथिक साइट्स हैं वो देखो कर्नाटका की हैं, कर्नाटका की देखो कौन कौन सी हैं, हेलिन एंड मॉस्की, ठीक है। आंध्र प्रदेश की है नागार्जुना कोंडा, ये मुझे नाम थोड़ा ईजी लगता है, नागार्जुना कोंडा, और तमिलनाडु की है आदि चरण, आदि चरण कुछ ऐसे ही नाम है, ठीक है। अब जब हम एक बार बुक की तरफ आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देती हूँ, मिसोलिथिक एज में बताते थे रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिलते, जो पेंटिंग्स थी जो यहाँ से हमें मिली, तो उसमें हमें यहाँ के लोगों का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का पता चला। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्टोन टूल्स हमें मिले, तो यहाँ पे जो टीनी स्टोन से बनते थे, जिसको 5 सेंटीमीटर साइज का, जिसको मैक्रोलिथिक भी बोलते थे, इसमें जो हंटिंग गैदरिंग पैटर्न था वो कंटिन्यू रहा। हाउएवर जो लोग हैं वो बिग एनिमल हंटिंग से थोड़ा स्मॉल हंटिंग करने लगे, लोगों को एनिमल्स की और फिशिंग करने लगे, बो एंड एरो का यूज़ करने लगे, ठीक है। यहाँ पे लोग थोड़ा एक जगह पे ज़्यादा टाइम के लिए सेटल होने लगे, यहाँ पे लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करने लगे, हॉर्टिकल्चर, प्रिमिटिव कल्टिवेशन, एनिमल बोन्स यहाँ पे मिली हैं इन साइट्स में, जैसे डॉग्स की, डियर की, बोर की, ऑस्ट्रिच की, ओकेजनली यहाँ पे जो डेड का जो बोरिंग होता था वो कुछ माइक्रोलिथिक से किया हुआ, ठीक है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं सारे, एक बार आपको इसमें दिखा रही हूँ सो दैट आपको ऐसा ना लगे। न्यूलिथिक एज, अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन में, 6000 से 4000 BC का टाइम। इसको रिमेन्स कहाँ कहाँ पे है, कश्मीर वैली, चिरण जो बिहार में है, बेलान वैली अभी यूपी में है, ठीक है। इसके अलावा सेवरन पार्ट्स ऑफ डेक्कन, डेक्कन जैसे मतलब कि जो दक्षिण के पार्ट्स हैं, साउथ इंडिया में आप देख सकते हो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल जो कि कर्नाटका में है,
तमिलनाडु के कलियमपाली रीजन में और आंध्र प्रदेश के उतनूर रीजन में, ठीक है। न्यूलिथिक कल्चर मैंने बताया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन, स्टोन टूल्स की पॉलिशिंग, पोल्ट्री को भी मैन्युफैक्चर करने लगे। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करने लगे, विलेज कम्युनिटी का कंसेप्ट आया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, लोगों ने टूल्स बनाना शुरू किया, कुछ टूल्स को जो स्टोन टूल्स उनको पॉलिश करने लगे, और जो पॉलिश टेक्स था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी फॉर हंटिंग एंड कटिंग के लिए। मल्टी ब्रिक हाउसेज स्टार्ट की इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स, ठीक है। व्हील्स को यूज़ करने लगे सो दैट पोल्ट्री बनाने के लिए, पोल्ट्री जो है ना कुकिंग में भी यूज़ करने लगे, या फिर जो आपको फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी। इसके अलावा लार्ज अर्न्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसको कॉफिन मतलब कि आपको पता है लोगों को या तो आप दबाते हो या फिर जलाते हो मरने हुए लोग को, तो इनको एज अ कॉफिन कॉफिन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट लाएगा एग्रीकल्चर में, व्हीट बार्ले राइस मिलेट को कल्टिवेट किया गया, राइस कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा थी ईस्टर्न इंडिया में। शीट पोर्ट एंड कैटल को डोमेस्टिकेशन करने लगे, कैटल को यूज़ करने लगे फॉर कल्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जो निर्मित केज है वो क्लोथ्स भी यूज़ करने लगे, जो भी कॉटन है वूल के लिए। नेक्स्ट है मेटल एज, मैंने आपको बता दिया कैलकुलेटिक एज भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया, फिर यहाँ पे स्मेल्टिंग करने लगे मेटल की, सो दैट हम मेटल्स के कुछ आर्ट्स बना सकें, ठीक है। स्टोन टूल्स को अभी इतना छोड़ा नहीं गया था, मतलब कि बस थोड़ा कम कर दिया गया था। माइक्रोलिथिक टूल्स को कंटिन्यू हमने किया, अभी यहाँ पे लोग क्या करने लगे, ट्रैवल करने लगे लोग डिस्टेंस तक, ठीक है। तो कैल्कुलेटिक कल्चर काफ़ी इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में पाया जाएगा, क्योंकि पहले लाइफ छोटे एक लिमिटेड थी, लेकिन अब जैसे आपका जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी तो लोग ट्रांसपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो कैल्कुलेटिक कल्चर में लोग कहाँ पे रिवर वैलीज में सेटल डाउन होने लगे, स्पेशली नियर द रिवर वैली जो गोदावरी, कृष्ण तुंगभद्रा, पिनार, कावेरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लोग मेटल्स शुरू में नहीं यूज़ करते थे जब मेटल इशू हुए, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको कॉपर और ब्रॉन्ज के एविडेंस मिलेंगे, कुछ सेवरल ब्रॉन्ज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स और पोटरी मिली है कहाँ पे, तमिलनाडु के टेम पर, ठीक है। कैल्कुलेटिक एज के बाद आयरन एज आता है, आयरन को इवन की वेदास ने भी रेफर किया हुआ, और जो आयरन एज है साउथर्न पेनिनसुला की वो मेगालिथिक बोरल से मिली, ठीक है। तो मेगालिथिक का मतलब मैंने आपको बता ही चुकी हूँ लार्ज स्टोन, ठीक है। बाकी इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो देख सकते हो, कर्नाटका की हेलो एंड नस्की, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु की आदिचरण बोला था, देख लो यार आगे चला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड पोटरी, आयरन एटिकुट जैसे बोन्स, सिकल्स, ये सब या जो स्मॉल वेपन्स वो बुरियल पिट्स होते हैं, कहीं पर अगर हमें कोई मरा हुआ आदमी मिला तो उनके साथ ये सब चीज़ें ले लो, ठीक है। तो बस ये काम करते हैं, अभी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा कर लिया, जिसमें हमने अच्छे से पहले व्हाट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कार्बोलिथिक एज, और इनका हमने सारे स्पेसिफिकेशन कर लिए, क्या साइट थी लोगों की उस वक्त, क्या लाइफ होती थी। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे कट का हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम स्टार्ट करके हड़प्पन सिविलाइजेशन कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। क्योंकि ये तो हम अपना रिविजन करें, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ही बताए टाटा।